कुछ करेंगे, सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट कर सकते
मजदूर का सामने लेखित पात्र होना चाहिए सर, ये तो स्वच्छ भारत अभियान के अंदर में आता है। तो आखिर सर जो फैक्ट्री का ये लेखित पात्र नहीं है वो ओनर को आपका तरफ से इस टाइप का कुछ सुविधा किया जाए जो कि फैक्ट्री में लेखित पात्र होना अनिवार्य है, क्योंकि वो जो कारीगर काम करते हैं वो बाहर में जा करके गंदा ना करें। और बड़ी दुख का बात है कि हम लोग इतना साल से यहाँ पे रहते हुए भी कोई भी परिचय कोई भी इंडस्ट्री में हम लोग काम करते हैं तो सबका अकाउंट में आना चाहिए और ये सरकार का नियम का मतलब हिसाब से होना चाहिए, जो कि आप कुछ अलग डिमांड की अलग मतलब उपस्थापना नहीं कर रहे हैं सर। हम हमारा जो रिक्वेस्ट है आपसे कि हम लोग जो जो हमारा वेतन आपको मिलता है वो अकाउंट में मिले, जो कि हमारा नॉन एजुकेटेड होने का कारण जो तनख्वाह हम लोगों को मिलता है जो श्रमिक को मिलता है उन लोगों को तनख्वाह जिस दिन मिला उस दिन घर में आने तक तनख्वाह वो आधा हो जाता है, क्योंकि इन लोगों का बिना एजुकेशन का चलते प्रॉब्लम होता है। इसके लिए अगर अकाउंट में दिया जाए तो उन लोग अच्छी जिंदगी जी पाएंगे, ये मेरा कलेक्टर साहब से अनुरोध है। स्वच्छ भारत अभियान में सूरत शहर और विश्व दरबार में आगे दिल्ली मध्य बहुत स्तर पाइखाना नहीं जहाद्वारा कारीगर भाई मैंने बहुत असुविधा होती तेणु उच्च कर्तृपक्ष को अनुरोध करूँ कि कारखाना तरफ पाइखाना कराया आदेश दि जाए। ड्रिंकिंग वाटर सिद्धार्थ नगर में पाखापाखि 25,000 लोक बास कर गायत्री बहन को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गायत्री बहन ने हम लोग को महिला मंडल बनाने के लिए जी जो कि पहला भी गायत्री मैडम ने ही ये किए थे, जो कि आज इतना मतलब विशाल समूह जो आप देख रहे हैं यूट्यूब म्यूनसिपल डिप्टी कमिश्नर गायत्री मैडम के चलते, इसके लिए गायत्री मैडम को कहीं जोर शोर उन्हें ताली हो, अरे जोर शोर हो बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धार्थ नगर में 25,000 लोग रहते हैं और उसमें और वहाँ पे 8 साल से पानी का समस्या इतना खराब था, 8 साल से ड्रेन का पानी और ड्रिंकिंग वाटर मिल करके सब कोई पीते थे, कोई कंप्लेंट नहीं करते थे। और मैंने जिस दिन ला करके गायत्री मैडम के सामने मैंने पानी का सैंपल दिखाया 24 घंटा का अंदर नया लाइन डालना शुरू हो गया और अभी भी लोग नया लाइन डालना चालू है क्योंकि बड़ा एरिया है अभी तक चालू है। और प्रवासी ओडिया समाज का तरफ से मैं गायत्री बहन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और थैंक यू सो मच। 6 बजे आऊँगा और 6 बजे और हमारा अरे मैं 6 बजे आ जाऊँगा अमरोली। गुजरात में और एक समस्या है जो कि गायत्री बहन को बोलने के लिए, इसके लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारा जो सिद्धार्थ नगर में हमने पानी का समस्या को समाधान कर दी है, पर और सुबह सुबह राजेश साहब भी आए हुए हैं, प्लांट एरिया का इंजीनियर है साहब वो भी आए हुए हैं, मैं उनको भी अनुरोध करता हूँ कि वो ड्रेन का पानी सुबह सुबह जो पानी छोड़ा जाता है तो पूरा एरिया सिद्धार्थ नगर का पूरा एरिया क्योंकि इमेजिन एक फूट का पानी कम से कम पानी जब तक चालू होता है तब से लेकर के एंड तक जब तक बंद नहीं होता है एक फूट का पानी पूरा सोसाइटी का अंदर में चलता रहता है, आज भी चलता है और कल भी, मतलब उसको थोड़ा जल्द से जल्द अगर निवारण किया जाए तो इसके लिए मैं SHG के आए हुए गायत्री बहन को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उसको जल्द से जल्द करने के लिए ये है। इससे समस्या का बात करेंगे तो खत्म नहीं होगा और किसी से शुरुआत तो किया जाए तो एटलीस्ट ये जो हमने शुरुआत करने का जो प्रयास किए हैं और आप लोगों का अपन मानक जो सहयोग मिलेगा अपन मानक जो साथी मिलेगा अग्रणी मानक मोर बहुत बहुत धन्यवाद और मोर एखे आसी मोर माँ भौणी मान
मानू तथा मंडल समस्त भौणी मान बहुत बहुत धन्यवाद जहाँ हूँ आज आप देखे कि आम ओडिया भारी बढ़िया एम वक्तव्य शेष करास्ट गोटे कथा कौच आप भाई मैंने एक ही गोटे स्वर में कहे जय जगन्नाथ। थैंक यू सो मच।